मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुम्हारी में 4.5 करोड़ की लागत से बने क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण विधिवत फीता काट कर किया। इस मौके पर संभाग आयुक्त महादेव कावड़े, आईजी बद्रीनारायण मीणा, एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव सहित पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर व जनप्रतिनिधि शामिल रहे। कुम्हारी स्टेडियम का निर्माण 4.5 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। मुख्यमंत्री ने स्टेडियम के निर्माण कार्य की प्रशंसा की और कहा कि इस तरह के खेल की बढ़िया संरचना से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और कुम्हारी में खेल प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 42 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। इन कार्यों में 10 करोड़ रुपए के लोकार्पण कार्य तथा 31 करोड़ के भूमि पूजन कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कुम्हारी के नागरिकों के प्रस्ताव पर स्टेडियम का नाम स्वर्गीय मिनी माता के नाम पर रखने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि कुम्हारी नगर पालिका में लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। आज यहां भव्य स्टेडियम और नगर पालिका भवन का लोकार्पण किया गया है। दोनों ही निर्माण कार्य बहुत बढ़िया तरीके से किए गए हैं। कुम्हारी में नागरिक अधोसंरचना की दृष्टि से तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। 100 करोड़ के निर्माण कार्य बीते 3 सालों में हुए हैं और कुछ पर कार्य चल भी रहा है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि चाहे तालाब सौंदर्यीकरण का विषय हो, चाहे स्वामी आत्मानंद स्कूल हो या उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज, कुम्हारी के सर्वांगीण विकास की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। इस मौके पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन पर कुम्हारी नगर पालिका में तेजी से निर्माण कार्य हो रहे हैं और नागरिक सुविधाओं का विकास हो रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष श्री राजेश्वर सोनकर ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त किया। 100 करोड़ के आसपास के कार्य के स्वीकृति निर्माण चला थे, लोकार्पण हुआ थे, आज भी 10.82 करोड़ के लोकार्पण किए गए और 31.42 करोड़ के भूमि पूजन किए गए। ये प्रकार से लगभग 100 करोड़ के अधोसंरचना विकास कुम्हारी जैन हमर रायपुर के रायपुर जाए भर रायपुर और भिलाई जोड़े के काम हमर कुम्हारी नगर पालिका करते और ये जैन नगर है तेकर समुचित विकास बहुत दिन से सब साथी मन प्रतीक्षारत रही से आज कुम्हारी में सड़क भी बना थे, नाली भी बना थे, पेयजल के व्यवस्था भी है, सामुदायिक भवन भी बना थे, नगर पालिका के शानदार कार्यालय, अतका सुंदर कार्यालय भी कोनो नगर पालिका में नहीं है जिन कुम्हारी में बने। आज अभी जिन स्टेडियम में हन अति सुंदर स्टेडियम और सामने जिन 20 क्वार्टर है, अभी हमारे नगरी प्रशासन मंत्री ले बताते हैं कि ये वो क्वार्टर है रहे, लेकिन उनका दीवार सजा दें कते सुंदर स्टेडियम के सुंदरता में चार चांद लग गए। बहुत बढ़िया ढंग से स्टेडियम बनाया है, कर लोकार्पण हुए, सब खिलाड़ी मल्ला बहुत बहुत बधाई शुभकामना। ओपन स्टेडियम भी बने हैं तो बैडमिंटन के भी बने हैं, बैडमिंटन के कोर्ट भी बने हैं, लड़का मन के पढ़े बर स्कूल स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी उत्कृष्ट माध्यम के स्कूल, साथ ही महाविद्यालय के बहुत पुराना मांग रही से और महाविद्यालय भी खुल गए। तालाब मन के सौंदर्यीकरण चाहे वो किसान के हाथ में पैसा जाते। आज सबसे बड़े बताना चाहता हूँ जो कुम्हारी में समस्या रही से पानी के समस्या खूब रही से, ये योजना नरवा योजना के वजह से पानी के वाटर लेवल मजबूत हुई। और आप मन ये महामन मन के जब यहाँ पर घूमत रहे तो स्टेडियम के स्थिति देखे रहे हो आप मन, हाँ कौन से स्थिति रही से कुछ नहीं रही से, ये सब हमार मुख्यमंत्री महोदय के देन है, हमारे युवा साथी मन के मांग के देन रहे। हमारे युवा साथी मन जो स्थिति में आज हमार कुम्हारी में इस दौरान संभाग आयुक्त महादेव कावड़े, आईजी बद्री नारायण मीणा, कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा एवं एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।